Behind closed doors, I'm a fool for your love. भैया भैया आज तारीख है 9 और महीना है मई का। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई एक ट्रेड ले लूँ ताकि मुझे आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। भैया भैया आपका क्या कहना है भैया? ओए मैं क्या कहूँ, तुझे जैसा ठीक लगे। 3 कॉकरोचों को पूछना पड़ेगा क्या मुझे? भैया मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए। भैया आप क्या कहते हैं? ओए मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहूंगा भैया। भैया तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ भैया, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इतना और टारगेट मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद से तो मैं 1:1 ही लूंगा क्योंकि वही सेफ माना जाता है। भैया भैया क्या मैं इन व्यूवर्स को बता सकता हूँ कि ट्रेड लेने का रीजन क्या था? भैया ओए बता दे, पर सब कुछ मत बताना होगी। अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ भैया। तो जैसे कि भैया की परमिशन मिल गई है हमको, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हमने ट्रेड क्यों लिया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बना रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हमको मिल गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमको यहाँ पे डबल टॉप का कंफर्मेशन भी मिल गया है। ओए डबल टॉप के बारे में नहीं बताना था होगी। क्या बात कर रहे हो भैया, पहले बताना चाहिए था ना भैया। 20,000 का कोर्स लिया था हमने डबल टॉप का सीखने के लिए। ओए ये बात भी आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी भैया। A few moments later. भैया भैया ये तो अभी तक नीचे आ रहा था, फिर वापस ऊपर क्यों जा रहा है भैया? इसमें कहीं ना कहीं लगता है जप्लू की शरारत रहता है भैया। नहीं ओए कॉकरोच तो फ्रिज में ना रहे थे, मैंने उनको पकड़ लिया। अच्छा तो कॉकरोचों को आपने पकड़ के रखा है भैया, तो ठीक है। तो ये क्या, मैं क्या करूं भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कॉकरोच फ्रिज में क्यों ना रहे थे। यहाँ तक सब सही चल रहा था, फिर ये ब्लू कैंडल कहाँ से आ गई? मेरा मतलब है व्हाइट कैंडल। अगर ऐसे हुआ तो मेरे तो लॉस हो जाएगा भैया। ओए तू लॉस की चिंता मत कर होगी, हमारा घर बहुत बड़ा है। हाँ ये मैं कैसे भूल गया, मेरे से बड़ा घर किसी का नहीं है। A few moments later. भैया मेरा तो टारगेट अचीव हो गया भैया, आपने ये जपलू टपलू बबलू को पकड़ के रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स भैया। इस वजह से ही मेरा टारगेट अचीव हुआ है, वरना ये लोग मुझे कभी पैसे कमाने नहीं देते भैया। ओए अब मुझे मेरे पापा के पास जाने दे। ओए तो भैया हमारा एनालिसिस काफी अच्छे से काम किया, 20,000 रुपए का कोर्स अच्छे से वसूल हो गया भैया। अभी तो और ट्रेड लेने बाकी हैं, बस ये कॉकरोच अपने हाथ में रहने चाहिए भैया। ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस। अब वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना कि हॉगी ने कॉकरोचों को धूल चटाई और पैसे कमाए।